हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम एडिशन क्वेश्चन, जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, जो एडिशन के क्वेश्चन होते हैं कभी, तो वो वर्ड में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए सिंपली जैसे हम लिखते हैं टाइपिंग करते हैं वैसा नहीं होता है वो, तो थोड़ी बहुत शेप्स वगैरह इसमें इंसर्ट करनी होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। और जब हम एक क्वेश्चन वो लिखोगे, एक क्वेश्चन उसके बाद चाहे आपको 10 लिखने हो, 20 लिखने हो, 100 लिखने हो, उसमें फिर टाइम नहीं लगता है, बस हमें एक लिखना है उसमें टाइम लगता है, बाकियों को नहीं। तो उसके लिए हम एक बड़ा सा लिखेंगे पहले, यहाँ पे आपको वही छोटा करके लिखना है। मैं यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो में साफ दिखे। पहले हम इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट शेप, और यहाँ से हम रेक्टेंगुलर शेप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम जाएंगे इंसर्ट पे। पहले इस रिबन को मैं मैक्सिमाइज करूँगा शेप, फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ इस शेप को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और इसको कॉपी करेंगे, मूव करेंगे उसको यहाँ पे। आगे इसकी कॉपी यहाँ पे फिर से करेंगे वही। अब मैंने दो को मूव किया, एक को सिलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसको मूव करेंगे। ड्रैग, मूव नहीं, ये कॉपी होता है। इसी तरह से जब ये तीन बन गए को पहले शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे तीनों को, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे डाउन, बन गया। और सेम फिर से करेंगे और इनमें क्या करेंगे, शिफ्ट करके फॉर्मेट शेप आउटलाइन पे जाएंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे इसमें, ऐड टेक्स्ट। सपोज मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, फ़ॉन्ट साइज बड़ा करके जो लिखना है 3, सेम इसमें भी करेंगे वही प्रोसीजर, 4 या 5 या कुछ भी, ऐड टेक्स्ट 6, ऐड टेक्स्ट 7, ऐड टेक्स्ट 8, ऐड टेक्स्ट करेंगे 9। आप चाहो तो दो करेक्टर भी लिख सकते हैं, 5, 7, 9। ठीक, उसके बाद वाली जो आउटर फिगर है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। अब लाइनेज डालनी है, इंसर्ट शेप, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इस पर नीचे है तो शिफ्ट को प्रेस करके रखना होगा। शिफ्ट को प्रेस करेंगे आगे लाइन यहाँ तक, ठीक, थोड़ी निकालेंगे यहाँ, यहाँ पे ऑपरेटर भी हमें रखना है। फिर से कंट्रोल को प्रेस करके इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब शिफ्ट को प्रेस करें, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दो लाइन इसको, और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा बढ़ाएंगे, तो शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पे वेट में जाएंगे, ये बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, इसको इनको थोड़ा हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ऐसे, ठीक है। एक और बॉक्स यहाँ पे हम मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, 5 लेके आया, तो यहाँ पे हम 5 नहीं प्लस लिखेंगे। लास्ट में हम इन स्क्वायर बॉक्स जो भी है आउटर स्क्वायर बॉक्स मिला के इनको सिलेक्ट करेंगे
और इनकी जो बाहर की ये बॉर्डर है ये हटा दें। तो शेप आउटलाइन करेंगे नो आउटलाइन, हट गया ये बॉर्डर सब। इनको एक एक करके हम बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बन गया एक क्वेश्चन। अब अगर हमें 10 15 20 ऐसे लिखने हो तो क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है, इनको सेलेक्ट करना है सबों को एक बारी, लाइनस भी, ये दोनों लाइनस, और यहाँ पे ग्रुपिंग में जाएंगे, ग्रुप करेंगे इनको। एक बार जो ग्रुप हो गया आप देखो, फिर इसको हम कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। तो आगे दूसरी भी, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा। अगर ये वाला पहला है तो जब मूव करेंगे ये आ गया इधर, तो ये दूसरा है तो साइड में। इस तरह से इनको आप बहुत सारी कापियाँ बना सकते हो उसकी, लेकिन फिर वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे एक एक करके। यहाँ पे 36 लगाया मैंने, यहाँ 6 की जगह 9 लगाया मैंने, यहाँ 9 की जगह सपोज 1 लगाया मैंने, यहाँ 7 की जगह 0 लगाया, या यहाँ पे भी ऑपरेटर भी चेंज कर सकता हूँ। प्लस की जगह इंटू भी लगा सकता हूँ, या प्लस की जगह माइनस भी लगा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do subscribe my channel and press the bell icon.